अभी मैं यहाँ का विलेज लाइफ आपको दिखाऊंगा। चरा रहे इनको। ये देखो खेतों के अंदर आ गया हूँ। कैसे अंकल जी, हमें अपने घर पे इनवाइट कर रहे खाना खाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्थरी पहाड़ों पे खेती इतना आसान नहीं होता। अभी इसको कच्चा है थोड़ा, अभी कच्चा है थोड़ा, कर ले जाना चाहिए ना। आपका नाम क्या है? और गाइस यहाँ पे देखो हमें एक दीदी मिली है, घास काट रही है गायों के लिए। यहाँ पे सेव रखा है क्या आपने इधर? अच्छा देखते हैं। गाइस यहाँ पे अभी विक्रम भाई गए अखरोट तोड़ने। देखो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो पे। तो अभी मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एंड अभी मैं यहाँ का विलेज लाइफ आपको दिखाऊंगा। अभी देखो सारे तरफ सेव ही सेव देखने को मिलेगा कुछ ऐसा। अभी यहाँ पे रास्ते में एक यहाँ सामने दीदी मिली है यहाँ पे, एंड दीदी का ही बगान है ये नीचे वाला। तो अभी जाएंगे देखने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सृष्टि। ओके यहाँ पे दीदी है, थैंक यू जी, देख के आते हैं। देखो घास वगैरह रखा हुआ है गाय वगैरह के लिए ये सारा। एंड देखो भाई वाल वगैरह है घर कुछ इस तरीके से पत्थरों से। अच्छा गाय भी है ना इधर। नमस्ते जी। अच्छा अंकल जी का गाय भी है इधर, दिखाते हैं। तो विलेज पे कुछ ऐसे रहता है घास वगैरह। एंड ये देखो यहाँ पे भूसे के लिए गायों का चारा है, इस पर भूसा वगैरह रखा गया है। एंड ये देखो गाय वगैरह इधर है, काफी बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख गए भेड़, आपको दिखाते हैं अभी। ये देखो अरे अरे भाग रहा है यार। देखो इनका जो है ना हेयर लंबा होता रहता है, तो इनके हेयर को काटते हैं और यूज में लेते हैं। ये डर रहे बहुत। अभी चलते हैं खेतों की तरफ और थोड़ा एप्पल वेपल का खेत दिखाते हैं अंदर से। आप कहीं ना अंकल जी, आप कहीं ना देख के आते हैं खेत एप्पल का। हाँ देखो। ओके जी दो और क्या। ओके परमिशन। हाँ हाँ परमिशन लेना जरूरी है, पूछ लिया। अभी चल रहे हैं घरों का कुछ ये सीन है, ऊपर जो है लकड़ी का है एंड नीचे जो भी है पत्थर ईंटों का है। और ये देखो यार टमाटर, पूरा टमाटर है और एप्पल तो हर जगह आपको दिख जाएगा। काफी मस्त है यार विलेज लाइफ सही में। व्लॉग बना रहे हो यार? व्लॉग बनाना अलाउ नहीं भाई। अरे यहाँ तुम नुकसान करोगे। परमिशन ले लिया यार मैंने। अरे किससे परमिशन ले लिया? ऐसे परमिशन थोड़ा ही मिल जाएगा। परमिशन लिया मालिक से। मालिक से परमिशन। हाँ ये देखो भाई टमाटर का खेत यार, पहाड़ों पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। अभी आपको दिखाते हैं अभी यहाँ का मस्त विलेज लाइफ, गाँव के लोगों का कैसे क्या करते हैं दिन भर, है ना। ये देखो ऐसे मस्त खेती वेती करते हैं। ये देखो टमाटर ठीक घर के पास में, किचन गार्डन टाइप का। एंड इधर देखो ये मक्के लगे हुए हैं और पूरा सेव का बगान है। अभी आ गए हो हिमाचल प्रदेश के विलेज लाइफ के अंदर, खेतों के अंदर वो भी। और देखो एप्पल का बगान है भाई पूरा यहाँ पे, मतलब जो ज़मीन है ना ये देखो काफ़ी टाइट सा है। एंड देखो यहाँ पे लोगों ने मक्के लगा रखा है, बीन्स वगैरह लगा रखा है, इधर कद्दू भी है, खीरा भी है, मतलब इन खेतों में सारा चीज़ लगा रखा है ऑलमोस्ट। और सबसे मेन चीज़ तो ये है देखो यार, एप्पल ही एप्पल हर जगह पे। इतना सारा एप्पल ना लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और नीचे जो है मतलब पैकिंग वैकिंग कर रहे थे लोग, यहाँ से बहुत सारा सप्लाई किया जाता है। जितना भी आप एप्पल खाते हो ना हिमाचल कश्मीर इस साइड से आपको आते हैं। ये देखो यार कैसा लग रहा है बताओ यार कमेंट करके। भाई खतरनाक है यार पूरा का पूरा, ये खेतों में आ गया हूँ मैं। अभी खेतों के काफी अंदर आ गया हूँ और सेव का जो खेत है ना खत्म ही नहीं हो रहा। यहाँ देखो ये डिफरेंट टाइप का सेव है, फिर यहाँ पे जो लगे गोल गोल सा है, मतलब बहुत किस्म किस्म का सेव है यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आ रहा है।
आज ही देख रहा हूँ मैं लाइफ में पहली बार सेव का पेड़, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार। यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, एंड परमिशन लेके आया हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। ऐसे नहीं क्या नाम जाति का? ये देखो भैया लोग सेव तोड़ के ला रहे हैं बगानों से। ये देखो कुछ ऐसे ले जाते हैं तोड़ के। नेपाल से आया, नेपाल के। अच्छा नेपाल से है ना। हेलो भैया जी, ऊपर दिखा मुंडी दाई कस्तो छो रामरो। ये देखो भैया लोग इतने इतने ज्यादा लेके जा रहे यार, कहाँ ले जाएंगे फिर ये लोग? ये तो गोदाम में ले जाएंगे अब जिसके लगे है ये आगे। अच्छा 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 अच्छा, जो घर आपन देखोगे रोड का दीवार, हाँ हाँ वहाँ पे, वहाँ पे ले जाएंगे इनको। अब फिर पैकिंग वैकिंग करेंगे फिर वहाँ पे। अब तो क्रेट में सब्जी मंडी ले जाते हैं, पहले दिल्ली ले जाते थे। अच्छा अब थोड़ा कम है तो फिर क्रेटों में लोड कर देंगे तो दिल्ली ले जाएंगे, उसके बाद वहाँ से सप्लाई कर देंगे ना। उसके बाद वो आ गए अपने हिसाब से मंडी पे। मंडी, अच्छा तो कुछ ये सीन रहते हैं। ये कुछ अच्छा है, सेव ही सेव है भाई हर जगह। यहाँ देखो, यहाँ भी देखो, घर से बाहर निकलो सेव दिख जाएगा। आपका आपका भी होगा ना पीछे तो। अच्छा अच्छा, तो अभी इसको कब कब तोड़ेंगे फिर? इसको तो अभी चला है, मतलब जिसको हो गया तैयार है, ये हरा है ना, लाल हो गया तो भी तोड़ देगी। ओके, अच्छा वो हरे वाले भी लाल हो जाएंगे? नहीं, ये ऑल वैरायटी है, ये गोल्डन है, ये रॉयल है, अलग अलग सेव है। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है यहाँ पे। ये जो है गोल्डन वाला है, ऐसा रहता है ना? ये ऐसा ही हरा ही रहेगा। ओके, तो फिर अभी रेड वगैरह कैसे चल रहा है अभी? शुरुआत तो अभी क्या चल रहा था, लार्ज या सीन अभी तक चला है, अभी थोड़ा डाउन है। अच्छा, ऊपर नीचे तो होता रहता है, काफी मस्त है यार सही में। वहाँ देखो जहाँ तक नजर आ रहा है सेव ही सेव दिख रहे हैं। अभी खेतों में सेव वगैरह देख के आ गए, एंड यहाँ पे ये घर जो है, इन घर के अंकल जी हमें लेके जा रहे हैं अपने खेतों में, थोड़ा दूर है वो। अच्छा, तो फिर वहाँ जाएंगे, और यहाँ भी देखो सेव वगैरह इधर पैक होगा कुछ इस तरह से। कहाँ पे सेव रखा है क्या आपने इधर? अच्छा देखते हैं, ये देखो भाई कुछ ऐसे रखा जाता है। अच्छा यहाँ पे काफ़ी सारा तोड़ के रखा है, ये देखो पूरा। अभी यहाँ पे पैक करेंगे इसको, उसके बाद कहाँ जाएगा ये? सब्जी मंडी, मंडी पे जाएगा। ओके, ये लाले अब यहाँ के, ये अच्छा यहाँ के सबसे बड़े लाले। लाले, हाँ। लाले किसको बोलते हैं? लाले मतलब ठेकेदार को, ठेकेदार। अच्छा आ जाओ चलते हैं, अभी चल रहे खेतों पे, वहाँ पे क्या क्या लगा है देखते हैं जाके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम ठाकुर है। विक्रम, विक्रम भाई के साथ चल रहे हैं अभी, और वहाँ देखो वहाँ पीयूष है और अंकल जी के साथ जा रहे हैं, आपके ताऊ है ना जी। ओके चलते हैं अभी खेतों पे चलते हैं। और कुछ बताओ यार इसके गाँव के बारे में। गाँव के बारे में ये है महादेव की, हाँ, जो है जमीन है उनका एरिया है। हाँ, बिजली महादेव का, जहाँ पे अभी हम लोग गए थे लास्ट। यहाँ पे उनके प्रमुख मंदिर भी है। अच्छा, मतलब जब देवता निकलेगा तो वो यहाँ पे आता है। ओके, साल में यहाँ पे दो बार जो मेला होगा। हाँ, अच्छा किधर लगता है मेला? मतलब ऊपर है। अच्छा, इससे ऊपर अच्छा दो बार मेले भी लगते हैं ईयर में, तो दो बार। अच्छा सही है यार। ये देखो भाई जहाँ भी आग जा रहे हैं एप्पल नजर आ रहे हैं, और इसको कौन सी चीज में यूज करते हैं? किसको? इसको एक घास है, ये तो घास को रखने का एक तरीका है। अच्छा, तो गायों के लिए? हाँ, जैसे यहाँ सर्दियों में अभी घास नहीं रहता। हाँ हाँ हाँ, फिर एक होता है इसको बाजा बोलते हैं यहाँ की लैंग्वेज में। अच्छा, बाजा जो मतलब हार्ड घास होता है, क्या होते हैं? बाजा, बाजा। और फिर यहाँ इसको हम काट के इसको आएंगे, मतलब पूरे मतलब बांध देंगे इसको। अच्छा, फिर लगा देंगे
खराब नहीं होगा अंदर। ओके, फिर सर्दियों में घास जब खत्म हो जाएगा तब खिलाते हैं, तब खिलाएंगे इसको। तो लाते कहाँ से हो इसका खेती? तो मैंने ये तो खेत में यही। अच्छा, चावल का है ना ये? तो चावल का वो है ना? चावल का नहीं होता यहाँ। अच्छा, ये क्या गेहूँ का? ये गेहूँ, गेहूँ। अच्छा, गेहूँ का जो ये होता है गेहूँ निकालने के बाद बचता है ना वो, ये आप लोग गेहूँ भी लगाते हो? कौन से टाइम पे गेहूँ लगाते हैं? अभी लगभग थोड़े महीने पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गेहूँ की भी खेती होती है? आएंगे गेहूँ के टाइम भी एक बार। ये देखो लकड़ियाँ, ये सब जंगल से? ये तो जंगल से, ये तो यहाँ के मतलब कि गाय को ले जाते ऊपर। अच्छा अच्छा, चराने के लिए फिटा दीवार है। अच्छा, तो यहाँ पे अंकल जी जिनके खेतों में जा रहे हैं अभी, और कहाँ ले जा रहे हैं अंकल जी? यहाँ ना खेत है, यहाँ सामने ही है ना। और अभी खेत, अंकल जी के खेत पे जाएंगे और दिखाएंगे आपको क्या क्या है, कैसा है। इधर अपना पीयूष भाई। हाँ भाई, सेब सेब दबा के आ रहे, सेब खा रहे और सेब देख रहे, पूरा मजा आ रहा है भाई यहाँ पे। चलो भाई अभी खेतों में चलते हैं अंदर, यहाँ से गुजरे अभी अंदर हम लोग। ये देखो कुछ ऐसा रास्ता है, घास ही घास है और एप्पल ही एप्पल शुरू हो गया। ये देखो भाई सामने से, बस मैं जो बता रहा था वो जो गेहूं का वो जो निकालने के बाद जो मलबा होता है उसको रखा है करके, वो ये है, वो गेहूं का नहीं था, मैं सोचा गेहूं का है, बट ये घास जो है इसी को सुखा के रखते हैं, और जो कि विंटर में यूज़ किया जाता है गायों के लिए और भेड़ों के लिए, इसको ही खिलाते हैं। ये देखो काफ़ी बड़े बड़े हैं, और बड़े होते हैं ये, बड़े होने के बाद काटेंगे और उसको जमा करके स्टोर करके रख देते हैं विंटर के लिए। तो कैसे अभी अंकल जी के खेतों में पहुँच गए, मकई वगैरह लगा हुआ है ये देखो, और यहाँ पे एक प्लम का पेड़ है ये देखो, जहाँ से अंकल जी ने तोड़ के भी दिया है और पका हुआ है ये, आके देखते हैं कैसे है। ये देखो काफ़ी यम्मी है, मीठा है, मज़ा आ गया, एकदम चीनी का जैसा मीठा यार सही में। ये बहुत जबरदस्त लग रहा है, तो कलर जल्दी आ जाता था पेड़ों में। अच्छा, साइज भी ठीक होता था ये तो, इस बार पत्ते जरा गिर गए। अच्छा अच्छा, बारिश हो गई ना, टाइम पीन पे बारिश की वजह से। तो गाइस यहाँ पे ना ये जो पत्ते मतलब पूरा झड़ गया ना, दिख रहे हैं ना, ऐसे नहीं होते, बारिश की वजह से झड़ गया, और अगर पत्ते नहीं झड़े होते तो ये सारा भी रेड रेड होता है ना भाई विक्रम भाई? जी भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल, रेड होता दिखता, जबरदस्त लगता अगर बारिश, अगर पत्ते होते तो यहाँ का व्यू भी एकदम आपको जैसे आप नाशपाती के पेड़ देखते हैं, कैसे पत्ते हैं। हाँ ये देखो नाशपाती, ऐसे पत्ते इन भी होते थे, लेकिन इस बार ये गिरे। यहाँ पे अभी विक्रम भाई गए अखरोट तोड़ने, देखो अखरोट का पेड़ कुछ ऐसा होता है, ये देखो कितना बड़ा है, ये अपना विक्रम भाई तोड़ के लेके आ रहे हैं। और देखो पहाड़ों में सारा कुछ ऑर्गेनिक और कितना बड़ा बड़ा होता है, ये देखो, ये देखो कद्दू का पेड़, कद्दू की लत लगे काफी मस्त है, ये देखो अखरोट। जब इनको तोड़ेगी फिर जो आप हजार से अखरोट लेते हैं उनका अंदर जो वैसे दिखेंगे इसके बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पूरा सूखने के बाद तोड़ते हैं ना मतलब, है ना? अभी ये तैयार नहीं हुआ है, वैसे तैयार नहीं हुआ है, कच्चा है ये, लेकिन तोड़ के देखेंगे अभी, दिखाएंगे आपको कैसा है इसके अंदर में। विक्रम भाई बता रहे हैं कि इधर बर्फ भी गिरता है, कौन से महीने में गिरता है विक्रम? दिसंबर में गिरता है, जनवरी में, कई बार नवंबर में गिर जाता है। अच्छा नवंबर में भी, ओके दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा मतलब इधर बर्फबारी, इलाका है तब यहाँ बर्फ गिरती है। हाँ हाँ हाँ, उस समय फिर एप्पल का पेड़ वगैरह ये सब क्या होता है? अभी एप्पल जैसे टूट जाएगा फिर यहाँ पे पेड़ खाली रहेगा। अच्छा उस टाइम तो सीजन नहीं रहता है ना? सीजन नहीं रहता। ओके, तो बर्फ भी गिरता है यहाँ पे कुल्लू में। इस गांव का नाम क्या है विक्रम? लेनी, हलेनी, क्या नाम बताया? हलेनी, हलेनी। अच्छा तो हले HALENI। अच्छा हलेनी, हलेनी गांव पे अभी हम लोग, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है ना ये तो? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू है सामने वाला, कुल्लू है यहाँ से दिख रहा ना। हाँ हाँ, तेरे घर से दिख रहा था, जो नीचे देख सकते थे वो बस स्टैंड था। हाँ हाँ हाँ, उधर से आ रहे थे हम लोग अभी। कुल्लू से तो ये 25 किलोमीटर वाला रोड होगा, 25 होगा ना, 25 किलोमीटर। ओके, कुल्लू से 25 किलोमीटर दूर हलेनी गांव पे, और विक्रम भाई के साथ और अंकल जी के साथ घूम रहे, घूम के आ गए अभी खेतों से। खेतों से घूम के आ गए अभी रोड पे। इधर विक्रम भाई थैंक यू यार, बहुत बहुत थैंक यू, और अंकल जी के खेत में गए थे, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। आपका नाम क्या होता है अंकल? अमरचंद ठाकुर जी। अमरचंद अंकल जी के साथ घूमा, काफी मजा आया, और फिर आएंगे तो मिलेंगे आपसे, ठीक है जी, बाय बाय, थैंक यू। ये देखो भाई अखरोट, अखरोट फाड़ रहे अभी हमारे विक्रम भाई। ये
अच्छा ये देखो यार कच्चा निकला है ना, कच्चा है अभी ये, लेकिन तैयार हो रहा है, हो रहा है तैयार, मतलब किसकी भी अब हाथ लाल हो जाते हैं इस वजह से कच्चे में तोड़ेंगे तो। बाकी जैसे कुल्लू से लेते वो इसका अंदर वाला हो गया, ये देखो ऐसा, अच्छा दिखाना कैसा होगा ये देखो भाई, ये अंदर का खाने वाला व्हाइट सा और इसका ये जो कवर है कुछ ऐसा। ओके बाय बाय चलते हैं, सी यू। अभी निकल गए हैं हम लोग, जाते समय कुछ गाड़ी वाड़ी नहीं मिल रही, लिफ्ट भी नहीं मिल रहा, तो ऐसे पैदल ही चल रहे हैं हम दोनों, है ना पीयूष भाई? हाँ भाई। तो अभी काफी दूर आ गए हैं पैदल चलते हुए, तो गाइस अभी और एक खेतों में आए हैं, अभी चल के यहाँ पे दिखाते हैं, काम वाम भी चल रहा है इधर। ये देखो खेतों के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे देखो लगा हुआ है बीन्स वगैरह और मस्त एप्पल भी लगा हुआ है, और यहाँ पे खेती के मालिक भी हैं, इनसे मिलवाता हूँ। नमस्ते जी अंकल जी, कैसे हैं? बस ठीक है। आपके खेत है? हाँ जी जी जी। तो अंकल जी का खेत है, अभी अंकल जी से पूछते हैं क्या क्या है वैसे खेत में आपके? खेत में राजमा बीज है और ये सेब है हमारे। अच्छा। हाँ इसकी देखभाल करते हैं अभी हम, और अभी इसको कच्चा है थोड़ा अभी, कच्चा थोड़ा कलर आना चाहिए ना, तब होगा बड़े के लिए, कलर आ जाएगा उसके बाद तोड़ देंगे, तब तोड़ेंगे। अच्छा जी, काफी काफी सारा सेब है देखो अंकल जी का, बहुत दूर में होगा ना अंदर तक? परे तक है। अच्छा, और ये भेड़ भी आपका ही है क्या? भेड़ भी है। जी जी। ओके, यहाँ यहाँ पे अंकल जी का भेड़ भी है देखो। कितने आपके पास भेड़? भेड़े ये रखा हमने, बिलिया है एक। अच्छा, शौक के लिए? शौक के लिए। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ पे देखो ये भैया लोग इधर काम कर रहे हैं, चलो खोदो यार, दिखाओ यहाँ पे खोदो, आप लोग खोदते रहो। हाँ ये देखो यहाँ पे ऐसे मिट्टी जो है काफी टाइट है, ऐसे रहते ना, टाइट रहता है ना मिट्टी इधर का। हाँ ये देखो भाई, पत्थरी 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 पहाड़ों पे खेती इतना आसान नहीं होता, काफी टाइट है यार गाइस, मिट्टी जो है ना, पत्थर भी है इसमें देखो, बहुत सारे पत्थर है। और अंकल जी का खेत है, एंड अंकल जी का नाम है करमचंद, है ना अंकल जी? और अंकल जी ने देखो एप्पल वप्पल भी तोड़ दिया हमारे लिए, वहाँ पे एप्पल भी तोड़ दिया अपने बगान से खाने के लिए। एंड इधर देखो नीचे भी मक्के वगैरह लगे हैं, ये भी आपका ही है क्या अंकल? ये भी आपका है? आपका कहाँ था कि खेत? बस ये दो है ना, बाकी आगे है खेत। अच्छा आगे भी है सेब का बगीचा। ओके, यहाँ देखो गाइस फुल, इधर भी मक्के वगैरह लगे हुए हैं, इधर भी मक्के, मक्के सिर्फ है अपने तो देते हैं। अच्छा, ऊपर साइड देखा था पत्ते वत्ते झड़ गए थे, आपके आपके सही हुए है ना अंकल जी का? तो सेव अच्छा है, मेरी 80 रुपए 84 रुपए किलो। 80? हाँ 84 रुपए किलो के हिसाब से बिके पेड़ जो है ना। अच्छा, ये ऊपर वाले? ऊपर वाले है, बड़े बड़े पेड़ जो है ना। हाँ हाँ, 8-10 पेड़ है। अच्छा, बेच रहे हो अभी? हां बेच रही मैंने। अच्छा 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 अच्छा, खत्म हो गया ना? खत्म हो गया, 85 रुपए किलो बिकी है। अच्छा, ये पकेगी, ये तैयार होगी फिर इनको, अभी ये भी पकने का टाइम हो गया, इसको भी थोड़े दिन बाद तोड़ देंगे। और कितने दिन में तैयार हो जाएगा अंकल जी? ये बस 4-6 दिन में। 4-6 दिन में? ये देखो गाइस, ये एप्पल जो है अभी तैयार हो ही चुका है, बस और 4-6 दिन में पूरा तैयार हो जाएगा। ये देखो जब रंग कलर पकड़ेगा ना फूल, तब बेचेंगे हम ऐसे भी। अच्छा अच्छा, मारे ऐसे नहीं खाता है रेट, माल अच्छा हो जाए तभी। हां तभी बेचना ना, रेट भी सही, रेट भी मिलेगा ना तभी। हम्म, ये जो कलम लगाई देखो, ये पल नाजर की है, तब आते सेब ऐसे दी। अच्छा, ये करेगा पल नाजर, ये वाला इसको ज्वाइन किया गया? हां जो आते, मैंने खुद लगाया है कलम। इससे इससे क्या होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, ग्राफ्टिंग जैसे मर्द औरत का होता है। अच्छा अच्छा, पॉलिनेशन करता है। अच्छा, तब आते सेब ऐसे नहीं आ रहा। इसको आपने लगाया है ना? खुद लगाया मैंने। अच्छा, सो गाइस ग्राफ्टिंग होता है ना, जो जैसे की डालियों पे काट के लगाते हैं, तो यहाँ पे अंकल ने ग्राफ्टिंग किया हुआ दिखा रहे हैं हमें। ये देखो, ये जो है ना डाल को काट के, और जो बूढ़े वाला पेड़ होता है उसका डाल को यहाँ पे ज्वाइन करके लगा दिया। ये देखो निकल भी गया है। अच्छा, सारे में लगाया है? सारे में लगाए, एक दो दो लगाने हैं, तब आगे पेड़ ऐसे नहीं आते हैं। अच्छा 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 अच्छा, इधर भी ग्राफ्टिंग ऐसे होगा ना। अच्छा, इसको लगाया ना? इसको लगा दो। हाँ ये देखो गाइस, इसको ज्वाइन किया, ज्वाइंट किया, तब तब जगह बड़ा होगा, ये भी फलेगा ना। अच्छा, डायरेक्ट फला जाएगा ना, मधुमक्खी जाएगी इधर। अच्छा, तब इसमें बैठेगी, इसमें भी तब पोलनाजर होगा। अच्छा, तो कुछ ऐसा होता है ना? हाँ जी जी, ऐसा। अच्छा जी, ये देखो काफी मस्त लग रहे हैं। हाँ जी जी, कर दे पूरा देखो। अच्छा, ये भी ग्राफ्टिंग वाला ही है? ये भी है ग्राफ्टिंग, ये थोड़ा भी। अच्छा, ये देखो। अच्छा, बाद में ये सारा ऐसा ही हो जाएगा ना? ऐसा होगा, ऐसे जाएगा। ये 30 साल लगा ना, ये
पिछले साल का है। अच्छा एक साल में पूरा बड़ा हो गया ना। देखो गाइस ये जो है ना ये ग्राफ्टिंग क्या हुआ ना जो ये भी बाद में देखो ऐसा ही हो जाएगा। ये भी ग्राफ्टिंग वाला ही बता रहे हैं अंकल जी। ये देखो पूरा होगा खाच पूरा हो जाएगा ना। पूरा हो जाएगा डालिया मतलब डायरेक्ट ज्वाइंट हो जाती है। हां जी 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 खुद। ओके बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। अंकल जी हमें अपने घर पे इनवाइट कर रहे हैं खाना खाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ले जट रहा मैं है कब अभी चलो खाना खा के आओ। थैंक यू जी थैंक यू आपने इतना बोला बहुत अच्छा लगा। कुछ नाश्ता करके जाओ। ये सीधा रोड सीधा है ना। सीधा शॉर्टकट कुल्लू तक जाओ सीधा बिल्कुल अपने आराम से। और गाइस अंकल जी कुल्लू मतलब कुल्लू से यहाँ तक बस में आते और फिर जाना हो तो पैदल ही चले जाते। पैदल चले जाता मैं। 62 उम्र हो गई अंकल जी। जी जी दिल्ली जाता हूँ मैं पैदल ही। दिल्ली नीचे को मैं शौक रखता कुल्लू में मैं दिल्ली जाता हूँ। अच्छा अब कल आगे कल फिर जाना मैंने। कल फिर जाएंगे पैदल ही। आज बैठा संडे है ना इसलिए बैठा घर में भी लगा है ना। अच्छा 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 नेपाल से ले आए। नेपाल से ले आए काम करने के लिए। ये भैया नेपाल से ये भैया लोग लेके आए। इनको लेके आया मैं। पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ियों की बात ही अलग होती है। अंकल जी का उम्र 62 600 रुपये मिला रुपये। अच्छा रोज का ओके 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 600 दोनों का 1200। अच्छा वो देख रहे हैं ना वर्कर्स उनका मतलब 600 रुपये में लेके आए और नेपाल से आए हैं। खाना भी लेना खुद रहने को भी अपना। अच्छा रहने का 3 टाइम खाना ही। अच्छा सुबह दिन को शाम को 3 टाइम सेब तोड़ते हैं खेतों में काम करते हैं। हम भी निकालेंगे सेब तो खुद भी निकालेंगे दुलार भी करेंगे ज्यादा नहीं होगा फिर तोड़ देंगे अपना सब फिर क्रेटों में भर देंगे फिर सब्जी भी डिपेंड में दिल्ली बेचता था। अच्छा दिल्ली में ऐसे करे कि लाले लोग ना नीचे से दिल्ली में वो मार्केट नहीं दे रहे उठने। अच्छा काफी सालों में दिल्ली से काम के निकल साथ अच्छा आठ के साथ ये नहीं दे रहे उठने पैसा। यहाँ ऐसा कि क्रेट में ले लो ये सेब बेचने क्रेट अपने वापस आएगी खर्चा भी ना ज्यादा दिल्ली को पक्के लगती है डब्बे करो फिर पक्के करो फिर डब्बे भी ले लेते हो। अच्छा अच्छा तो यहाँ सस्ता पड़ता है इधर मंडी पे दे दे मंडी में। अच्छा। बिजोर ले जाते हैं तो ये सारा सेव जो है सारा जितना भी मंडी सब्जी मंडी बिजोर जाएगा फिर वहाँ से जहाँ जाना है फिर चेक काट के ले आएगा फिर जमा करेंगे। ओके जी हाँ जी बैंक में।